इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बारे में, और वो किसके मुताबिक होगा, फ्रैक्शंस के मुताबिक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है, इसको समझने के लिए पहले होल नंबर्स की मिसाल लेते हैं। होल नंबर्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, इस तरह के नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 मिसाल के तौर पे एक नंबर है, होल नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो 3+2 के साथ, यानी ब्रैकेट का मतलब है 3 और 2 को पहले प्लस करना है और उस जवाब के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन भी है। तो किस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ये 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इनके दरमियान में जो साइन आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के फ्रैक्शंस में इस्तेमाल को समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। यही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस के लिए भी सेम है, फ्रैक्शंस में भी ऐसे ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सवाल है 2/7, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 14/3+7/4 के साथ, यानी ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है कि पहले हमने इस हिस्से को हल करना है और इसके जवाब को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इनका डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है, तो इन दोनों को जमा करना लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस बाहर वाले फ्रैक्शन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरह से करेंगे, 2/7 पहले जाएगा 14/3 के साथ और फिर ये जाएगा 7/4 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/7 × 14/3+, ये प्लस का निशान एज इट इज आ जाएगा। अब 2/7 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7/4 के साथ, 7/4। अब इसको हल करते हैं। अब जब भी कोई दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले करना है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब भी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आता। जैसे ये 7 है, 7 के टेबल में 14 आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 7 और 14 को आपस में हल करेंगे। किस तरह से, 7 को इन दोनों के गिर्द में ऐसे दायरा लगा लेती हूँ। 7 के टेबल में कैसे 14 आता है, 7 1s are 7 और 7 2s are 14 आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 7 को क्रॉस करेंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 7 आता है। इसी तरह से 14 को भी क्रॉस करेंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 आता है। अब इनको भी देख लेते हैं, इन दोनों को भी हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 और 7 सेम है, तो जब नंबर्स एक जैसे हों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और अगर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा और इसकी जगह पे आएगा 1। इसी तरह से ये 7 भी कट जाएगा और इसकी जगह आएगा 1।
अब हम देखें तो 2 और 4 भी एक दूसरे से 2 के टेबल में 4 आता है, यानी इनको भी हम आपस में हल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इसका टेबल लिख लेते हैं, 2 वन जार 2 और 2 टू जार 4, तो इसलिए 2 को हम कट करेंगे और 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। और इसी तरह से 4 को भी कट करेंगे और 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि 4 को 2 से टू से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। अब इसको नीचे लिखते हैं, इसको लिखेंगे, ये पहला वाला फ्रैक्शन अब बन गया है 2/1 मल्टीप्लाई बाई 14 की जगह पे लिखेंगे 2, क्योंकि 14 कैंसिल हो गया और नीचे 3 एज इट इज आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान, और 2 की जगह पे अब हम लिखेंगे 1 और 7 की जगह पे भी लिखेंगे 1, क्योंकि 7 कट गया है, मल्टीप्लाई बाई 7 की जगह पे आएगा 1 और 4 की जगह पे आएगा 2। अब हम इसको मज़ीद आगे हल करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में प्लस का निशान, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्या जवाब आता है, 4, और 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका न्यूमरेटर 4 और इसका डिनोमिनेटर 2 के टेबल में आता है, लेकिन अब हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। कैंसिल आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो। तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, तो 3 और 2 को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे मैं रफ वर्क करती हूँ, 3 वन जर 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 एज इट इज आ जाएगा एंड 2 वन जर 2। फिर क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 6। इसका मतलब इनका एलसीएम है 6, यानी डिनोमिनेटर को हमने 6 बनाना है। तो ये है 4/3, इसमें हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ ताकि 6 आ जाए, तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरा फ्रैक्शन है 1/2, इसमें भी डिनोमिनेटर को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 से, तो न्यूमरेटर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। नीचे लिखेंगे 6 और 8/3 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो हमारा जवाब आया 11/6। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस फ्रैक्शन को हल कर लिया। आज हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बारे में।